घूर्णन सम्मिति, रोटेशनल सिमेट्री। चित्र 12-1 व 12-2 को देखें, इनमें कितनी कितनी सममित रेखाएं हैं। आप पाएंगे कि एक बार के पूरे घुमाव में यह कम से कम एक बार अवश्य अपनी प्रारंभिक स्थिति की तरह दिखेगा। समबाहु त्रिभुज की चक्रीय सममिति पर चर्चा करते हैं। समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं के तीन अक्ष होते हैं। जब हम किसी समबाहु त्रिभुज को घुमाते हैं तो वह तीन बार अपनी प्रारंभिक स्थिति की तरह दिखाई देता है। इस संख्या को घुमाव का क्रम या ऑर्डर ऑफ रोटेशन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह चित्र 12 में बनी दोनों आकृतियों को घुमाएं और इनके घुमावों का क्रम पता करें। अब तक की चर्चा के आधार पर तालिका पूर्ण करें। तालिका में शीर्षक है आकृति, कितनी सममित रेखाएं हैं, एक घुमाव में आकृति कितनी बार पहले जैसी दिखी और घुमाव का क्रम। यहां पर समपंचभुज, समबाहु त्रिभुज, आयत, वर्ग, अंग्रेजी का अक्षर यू और अंग्रेजी का अक्षर एम शामिल है। हम समबाहु त्रिभुज के उदाहरण रखते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं हैं और एक घुमाव में आकृति तीन बार पहले जैसी दिखाई पड़ती है और इसमें घुमाव का क्रम तीन है। सोचे एवं चर्चा करें, समबहुभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? क्या समबहुभुज की भुजाओं और घुमावों के क्रम में कोई संबंध होता है? वह क्या है? ये करके देखना है आपको। निम्नलिखित अंग्रेजी अक्षरों में कौन कौन सी सममिति है, इन्हें पहचानिए और लिखिए। आई, एफ, एन, एच, जी, ए और ओ। अब नीचे दिए हुए चित्रों में पहचानिए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी सममितता है। सममितता और परिवर्तन के कुछ अनुप्रयोग। आसपास के फर्श, दीवार, वॉलपेपर, साड़ी, कपड़े आदि पर कई तरह के पैटर्न व डिजाइन देखे जा सकते हैं। इसमें कई तरह की सममितता होती है और यह कई बार एक या दो मूल आकृति, जिसे हम मोटिफ कह सकते हैं, के परिवर्तन स्वरूपों से बनते हैं। जैसे चित्र 14-1 में आप मूल आकृति को जगह जगह पहचान सकते हैं, इसी प्रकार चित्र 14-2 में भी। अब चित्र 15-1 और चित्र 15-2 को ध्यान से देखें एवं मूल आकृति की पहचान करें और बनाएं। इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा? पहला, यदि समान आकृतियों को पलटाया, घुमाया या खिसकाया जाए तो उनकी सर्वांग समता बनी रहती है। दूसरा, परिवर्तन जिसमें क्रिया के बाद मिली आकृति मूल आकृति के सर्वांग सम होती है उसे दृढ़ परिवर्तन कहते हैं। तीसरा, दृढ़ परिवर्तन में तीन क्रियाएं की जाती हैं, स्थानांतरण, परावर्तन और घुमाओ। चौथा, स्थानांतरण के लिए दिशा और दूरी तय करना आवश्यक है। पांचवा, घुमाव करने के लिए घुमाव का केंद्र, घुमाव का कोण और घुमाव की दिशा पता होना चाहिए। छठवा, परावर्तन की रेखा से मूल आकृति और परावर्तित आकृति समान दूरी पर होती है। सातवा, दो तरह की सममिति के बारे में पढ़ा, रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति। आठवां, किसी मूल आकृति को समतल पर बिना खाली स्थान छोड़े या बिना एक दूसरे के ऊपर रखे दोहराते हुए व्यवस्थित करते हुए पैटर्न बनाया जा सकता है।